नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल में। जी हां किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, प्याज में जड़ गलन रोग, जलेबी रोग लग चुका है। जी हां किसान भाइयों, अगर आपने भी प्याज की फसल लगाई हुई है और आपकी प्याज की फसल में यानी कि जलेबी रोग लग रहा है, तो किसान भाइयों आपको बता दें, जलेबी रोग यानी कि फफूंद के कारण होता है। अगर इस रोग की पहचान के बारे में आप बात करें तो किसान भाइयों, पत्तियों पर हल्के पीले पानी से भीगे हुए अंडाकार धंसे हुए घाव पत्ती के ब्लेड पर दिखाई देते हैं, ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और पत्तियां घुमावदार हो जाती है यानी कि जलेबी नुमा हो जाती हैं, ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इसके यानी कि कर्लिंग मरोड़ना पत्ती को क्लोरोसिस यानी गर्दन का असामान्य बढ़ाव, झूठा तना का होना दिखाई देता है, ये इसके पूरे लक्षण दिखाई देते हैं। और घुमावदार गुंडियाँ बन जाती हैं और जड़ गलन रोग में जड़ गलने लग जाती हैं, यानी कि ऊपर से जो फालर होती है वो पीली पड़ने लग जाती है, सूखने लग जाती हैं। दोस्तों इसके निवारण के लिए आपको क्या करना होगा, नज़दीकी आप दवाई पर यानी दवाई की दुकान पर जाके आएँ और वहां पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवाई लेकर आएँ और छिड़काव करें, जिससे आपके जलेबी रोग पूरी तरह से यानी कि सही हो जाएगा। प्याज का भाव इस सीज़न में आने वाला है किसान भाइयों, प्याज का भाव करीब 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला है, तो अपनी प्याज की देखभाल अच्छे से करें। किसान भाइयों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।